The next one topic is 9.3 cardiovascular disorders. Cardiovascular बीमारियाँ, the diseases that involves the heart or blood vessels, arteries and veins are collectively called the cardiovascular disorders. ऐसी बीमारियाँ जिनमें दिल और blood vessels, artery veins मुतासर होते हैं, इनको cardiovascular disorders कहते हैं. These diseases have similar causes, mechanisms and treatments. ये जो बीमारियाँ होती हैं इनकी वजूहत भी और असर करने का मैकेनिज़म और इलाज मिलते जुलते होते हैं. द रिस्क फैक्टर्स दैट लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स इंक्लूड एडवांस एज, डायबिटीज, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, टोबैको स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल. इसमें यह बताया गया कि ज़्यादा उम्र, डायबिटीज़, खून में कम डेंसिटी वाले लिपर्स मसलन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, मोटापा और जिस्मानी काम के बगैर तर्ज ज़िंदगी ऐसे ख़तरनाक अनासर हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां फैलाती हैं. यानी ये ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से जो सी हैं कार्डियोवैस्कुलर जो से डिसऑर्डर ये हो सकते हैं. देयर इज़ देयरफॉर इंक्रीज एम्फेसिस on preventing cardiovascular disorder by modifying like risk factors such as healthy eating, exercise and avoidance of smoking. yani kafi zyada aise jo unse hain andaaza lagaya gaya kitne zyada isme bataya gaya hai ki काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है इस बात पर कि ताकि कार्डियोवैस्कुलर जितने भी बीमारियां हैं उनको उनकी रोकथाम की जा सके, उनसे बचाया जा सके, उन इस तरह के फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके. जैसे आप देखें हेल्दी ईटिंग वगैरह की अगर हम आदत डालेंगे तो उससे भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो उनसे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी. एक्सरसाइज की अगर हम लोग हैबिट डालें तो वो भी कार्डियोवैस्कुलर जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगी उसको उससे प्रिवेंट होने में. इसी तरीके से अगर स्मोकिंग वगैरह से हम लोग अवॉइड करेंगे, उससे अपने आप को बचाएंगे तो उससे भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में कमी आके होगी. वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ये डिसऑर्डर्स हैं. 9.3.1 आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस. आर्थरोस्क्लेरोसिस इज़ अ डिजीज़ अफेक्टिंग आर्टरीज. इट इज़ ए कॉमनली रेफर टू एज ए नर्विंग ऑफ द आर्टरीज. असल में जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज की बीमारियां हैं और दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं. सबसे पहले हम लोग देखें एथेरोस्क्लेरोसिस को आम अल्फाज में आर्टरीज का तंग हो जाना यानी नर्विंग ऑफ द आर्टरीज कहते हैं. यानी जब कोई भी आर्टरीज तंग हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से तो उस बीमारी को आर्थरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़ इन विच देयर इज़ एक्युमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल्स, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द स्मूथ मसल्स, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रिन इन द आर्टरीज. यानी ये एक क्रॉनिक जो सी है ज़्यादा अर्सा रहने वाली बीमारी है जिसमें आर्टरीज में फैटी मटेरियल वगैरह जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं या फाइब्रिन वगैरह आ जाते हैं वो इसके अंदर आर्टरीज में जाके जमा होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आर्टरीज जो सी हैं वो तंग हो जाती हैं. व्हेन दिस कंडीशन इज सीवियर द आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपेंड एंड कॉन्टैक्ट प्रॉपरली. जब ये हालत शदीद हो जाती है तो आर्टरीज मुनासिब तरीक़ा से मजीद खुल और सुखड़ नहीं सकती और इसमें से खून का गुजरना मुश्किल हो जाता है. और इसी तरीके से जब उसमें से खून का गुजरना जो उनसे वो मुश्किल हो जाता है, द एक्युमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्राइम कंट्रीब्यूटर टू आर्थरोस्क्लेरोसिस. यानी इसमें एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल का जो जमा होना किसी भी आर्टिस्ट वगैरह में सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ी वजह बनती है आर्थरोस्क्लेरोसिस की. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉज प्लेग विद इन द आर्टिस्ट. और ये वजह बनती है, ये नतीजे के तौर पर ये उनसे मल्टीपल डिपॉजिट बन जाता है प्लेग का आर्टिस्ट के अंदर. प्लेग कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बस. और प्लेग से आगे से ब्लड क्लॉट बन जाता है आर्टिस्ट के अंदर. और इफ़ ए थ्रोम्बस डिसलॉज एंड बिकम्स फ्री फ्लोटिंग इट इज़ कॉल्ड एम्बुलस. और अगर ये थ्रोम्बस यानी ये जमा हुआ जो उनका खून होता है अगर ये जो उनसे अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर जाए तो यानी अब फिक्स ना हो अपनी जगह से फ्लोट करना शुरू कर दे तो ये एक इस कंडीशन को कहा जाता है एम्बुलस. यानी इनको आजादाना तौर पर अगर तैरने लग जाए तो उसको एम्बुलस कहा जाता है. यानी इसको मैं रिपीट करती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ है. आर्थरोस्क्लेरोसिस की सबसे बड़ी जो वजह है इसमें कोलेस्ट्रॉल का आर्टिस्ट के अंदर जमा हो जाना और जमा होने के बाद इसको प्लेग की शक्ल में जो उनसे यानी आर्टिस्ट के अंदर की तरफ इसकी तहें जो उनसे हैं वो चिपक जाती हैं जिसको प्लेग कहा जाता है. और प्लाक जो उनसे है वो आर्टिस्ट के अंदर खून के क्लॉट बना देते हैं. प्लाक से यानी आर्टी के अंदर खून के क्लॉट बन जाते हैं और यही क्लॉट जो उनसे इनको थ्रोम्बस कहा जाता है. और अगर एक थ्रोम्बस जो उनसे अपनी जगह छोड़कर आजादाना फ्लोट करना शुरू हो जाए आर्टिस्ट वगैरह में तो उसको एम्बुलस कहा जाता है. आर्थरोस्क्लेरोसिस इज जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग
any hardening of the arteries. It occurs when calcium is deposited in the walls of the arteries. It can happen when atherosclerosis is severe. यानी पहले हमने पढ़ा आथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या फैटी वगैरह, फैट वगैरह जो है उस फैटी मटेरियल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो प्लाक होता है, प्लाक से आगे से थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस से आगे से वो एम्बुलस बनते हैं. तो ये जो सी कंडीशन होती हैं ये आथेरोस्क्लेरोसिस की होती हैं, लेकिन बीमारियाँ दोनों आर्टरीज की हैं. जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो जनरल टर्म ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस्तेमाल होती है, यानी आर्टरीज के सख्त हो जाने को कहा जाता है. और इस वक्त ये इस वक्त मुमकिन होता है जब आर्टरीज की दीवारों में कैल्शियम जमा हो जाता है और आर्थेरियोस्क्लेरोसिस के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से ये खराबी हो सकती है. यानी आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की जो बीमारी है अगर एक सीवियर हद तक बढ़ जाए तो उससे भी आर्थेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है कि कैल्शियम जो है वो आर्टरीज की वाल में डिपॉजिट हो सकता है. इसी अगर आर्थेरियोस्क्लेरोसिस को या आर्थेरियोस्क्लेरोसिस को हम लोग लें तो एक एनिमेशन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये बीमारी जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक तक हो सकता है. यानी कार्डिक वैस्कुलर जो डिजीज़ हैं इनकी वजह से जो से आगे से कार्डिक मसल जो से वो काम करना छोड़ जाते हैं, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, यानी दिल का दौरा कहते हैं, यानी दिल का दौरा पड़ने के चांसेस भी हो सकते हैं. जब हम लोग स्टार्ट करेंगे देखें हार्ट अटैक की कंडीशन है, सबसे पहले यानी हर जितने भी हार्ट मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है किसी काम करने के लिए. तो हार्ट के मसल्स को जो सी न्यूट्रिशन सप्लाई होती है वो कॉर्नी आर्टरीज के जरिए होती है, और कॉर्नी आर्टरी जो सी हार्ट के मसल्स को ब्लड वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करती हैं. तो जब ये कॉर्नी आर्टरीज की हम बात करते हैं तो कॉर्नी आर्टरीज जब ऑक्सीजन वगैरह ब्लड को ये हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं, तो इन कॉर्नी आर्टरीज को हम लोग लेके आगे चलते हैं कि किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है इन कॉर्नी आर्टरीज में. आप ये देख सकते हैं कि हेल्दी कॉर्नी आर्टरीज में से किस तरह स्मूथ और वेसल्स ओपन है और इसमें ब्लड फ्लो आसानी से हो रहा है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें फैटी एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो फैटी डिपॉजिट जो है वो कॉर्नी आर्टरी की वाल में किसी एक कोने पर जब थोड़ा सा फैट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है तो उसके नतीजे में प्लैक बन जाता है. प्लैक बनने के साथ साथ ये आर्थेरियोस्क्लेरोसिस यानी जो नाली है वो तंग होना शुरू हो जाती है. और जब ये प्लाक की सूरत में ये देखें ये डायमीटर जो है इसका कितना तंग हो गया है ये आर्टरी का, और ये जब कॉर्निया आर्टरी का ये डायमीटर बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, आसा सा जो प्लाक है वो प्लाक जो है वो ब्लड फ्लो को यानी स्टॉप करने की कोशिश करती है, रिड्यूस करती है. यानी पहले जितनी रफ्तार में जितनी मकदार में जो ब्लड गुजर रहा था अब उतनी मकदार में ब्लड जो है वो उसमें से नहीं गुजरता. तो जब ये प्लाक जो है ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो जो डिपॉजिट जो है वो फैटी डिपॉजिट जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ निकल आता है, यानी एक्सपोज हो जाता है. और इसी तरीके से जो उनसे जो टानी जो क्लॉट्स जो है ये जो देख लें क्लॉट बनना शुरू हो जाता है. यानी ये जो उनका प्लाक है ये क्लॉट की शक्ल धार लेता है, जिसको थ्रोम्बिन कहा जाता है. तो ये थ्रोम्बिन यानी क्लॉटेड जो ब्लड होता है ये